हेलो ट्रेडर्स एंड कॉन्कोर को आज के दिन में ट्रेड किया था इसके अंदर आज हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ है जो कि अपनी ट्रेडिंग कैरियर में हमको याद है कि जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में भारतीय एयरटेल के अंदर हमको याद है कि एक दिन हमने सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट किया था और अगले ही दिन हमने लॉस कर दिया था उसके अंदर लगभग सिक्स या सेवन के अराउंट का एंजल ब्रोकिंग में हमारा अकाउंट था और काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी भयंकर लीवरेज मिलती थी मतलब टेन और ट्वेंटी टाइप की लीवरेज मिलती थी तो कम अमाउंट के साथ ही बड़ा बड़ा रिस्क उसके अंदर ले लेकर के एक दिन तो ऐसा हुआ था कि शायद पांच हजार रुपये उसमें थे ग्यारह हजार या बारह हजार रुपये हमने बनाए थे और अगले ही दिन जितने बनाए थे वो सब चले गए थे तो वो लॉस था हमारा छह हजार रुपए का फिर उससे बड़ा हमने लॉस किया नहीं आज मेरा वो बड़ा लॉस है मतलब छह हजार रुपए का क्रॉस कर दें तो आज का हमारा ये लॉस है अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना जो ग्रुप है उसमें भी हमने शेयर किया हुआ है एंड देखिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमने लगा था 734.50 का स्टॉप लॉस लगा था और 737.80 थर्टी पॉइंट एट जीरो यहाँ पर ये ना ये थाउजेंड करीब क्वानिटीज हमने इसके अंदर अपनी थाउजेंड 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 क्वानिटीज देखिए इसके अंदर हमने अपनी एक्टिव की थी 737.80 पर स्टॉप लॉस सेवन थर्टी का अपना स्टॉप लॉस था और ओवरऑल जो आज का हमारा अपना लॉस है वो पोजिशन बुक पोजिशन बुक टेन लीजिए 10,600 का अपना लॉस इसको रिफ़्रेश होने देते हैं 10,600 तो यही आज का हमारा अपना लॉस रहा रीज़न क्या था इतना बड़ा लॉस करने का देखिए कई सारी मिस्टेक्स होती हैं जब पता नहीं चलता कई बार हम लोग ऐसा काम कर देते हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल डिवाइस से हुआ है या फिर हमारे डेस्कटॉप से हुआ है रीज़न चाहे जो भी हो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और प्राइस सीधे नीचे की तरफ देखे गिर गया और जब इतनी बड़ी स्पाइक कॉन्कोर में अब जिस कॉन्कौर को हमने ट्रेड क्यों किया था जानते हैं जैसे अब डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो कल फिफ्टीन परसेंट का मोमेंटम कॉन्कोर ने दिखाया था लगभग पिछले तीन चार महीने का हाई इसने ब्रेक किया था अप की तरफ से देखिए और भर करके वॉल्यूम आई थी काफी भयंकर वॉल्यूम आई थी हमारी अपनी थिंकिंग क्या थी कि प्राइस जैसे ही हमारा सेकेंड ऑफ अगस्त इस वाले हाई के ऊपर जाकर के ट्रेड करेगा ना तो यहाँ से हम लोग अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस ने कल अप की तरफ ओपनिंग नहीं दी थी और आज भी जो मार्केट गिरा है ना अब से डाउन साइड की तरफ देखिए गिर गया था और स्विंग्स जो इसने मॉर्निंग में बनाए थे जो अपने स्विंग बनाए थे इस स्विंग को ही हमने कंसिडर किया था कि लो हाई लो हाई जब इस तरह से प्राइस कर करा तो गिरने के बाद में हमने ये सोचा कि जैसे ही प्राइस हमारे इस वाले स्विंग को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा ना तो हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे हुआ भी यही हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया और स्टॉप लॉस ऑर्डर जो हमने लगाया था हमारी ये वाली जो अपनी कैंडल है ना सेवन थर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो इसे कैंडल का जब हम लो देखेंगे बारह बजकर पचास मिनट की कैंडल और लो है इसका सेवन थर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो एक्जैक्ट यहाँ पर हमने अपना लॉस लगाया कि ये हिट नहीं होना चाहिए तो बहुत देर तक प्राइस हमारा वहीं पर रुका रहा और उम्मीद भी थी कि प्राइस अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो हिट नहीं करेगा तो देखिए काफ़ी अच्छे इसने सपोर्ट लिया लेकिन अचानक से इस बाइक का पूरा मोमेंटम ही बेकार हो गया तो <laughs> कोई बात नहीं ये जो हुआ है ना टेन थाउजेंड रुपीज़ का अपना जो भी लॉस हुआ है ये सारा का सारा हम लोग रिकवर करेंगे कल के दिन देखिएगा अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अच्छा सा अगर कोई स्टॉक मिलता है तो कल ही के दिन ये सारा का सारा हम अपना जितना भी लॉस हो सारा का सारा रिकवर कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हाँ ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आप लोग भी कोशिश करो कि जब भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करो ध्यान से क्योंकि एक छोटी सी गलती और नुकसान हो जाता है तो कोई बात नहीं चलता रहता है ये सारी चीज़ें होती रहती हैं अब क्योंकि हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हो, तो कब क्या, क्या? एक बार हमको याद है हमने लॉस किया था उस उस वक्त तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लॉस नहीं हुआ था क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक था और तो काफ़ी सदी हुई मूवमेंट होती हैं तो उसमें करीब हमको तीन या साढ़े तीन हज़ार रुपये का लॉस हुआ था और वो हुआ था स्लीपेज की वजह से स्लिपेज आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा लाइक कि यहाँ पर सेवन थर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो यहाँ पर हमने अपना लॉस लगाया और प्राइस क्या किया है सेवन थर्टी फोर सेवन थर्टी फोर पॉइंट सिक्स जीरो पर है और गैप डाउन कर दिया बीस पैसा उसने गैप डाउन कर दिया लाइव मार्केट में गैप डाउन हो गया तो क्या हो गया कि इस बीस पैसे के इन रेंजेज में जितने भी आपके ऑर्डर्स लगे होंगे ना ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं वापस प्राइस फिर जब हमारा अपसाइड की तरफ जाएगा तब ऑर्डर से एग्जीक्यूट होते हैं तो ये भी होता है कि स्लीपेज के स्लीपेज की वजह से भी कई बार लॉस सेट नहीं होते स्टॉक्स में तो ये कम देखने को मिलता है बट ऑप्शंस अगर आप लोग ऑप्शंस करते हो या किसी को जानते हो जो ऑप्शंस कर रहे हैं काफ़ी दिन से अगर वो ऑप्शन करें तो स्लीपेज के बारे में जरूर उनको मालूम होगा कई बार होता है स्लीपेज की वजह से ऑर्डर नहीं मिलता कई बार होता है स्लीपेज की वजह से टारगेट्स नहीं मिलता मतलब आप एग्जिट एग्जिट नहीं कर पाओगे और कई बार होता है स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है स्लीपेज की वजह से टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे एंड वहाँ पर भी स्टॉक्स लेवल्स वगैरह जो भी होंगे आपके डायरेक्शन क्या हो सकते हो उस स्टॉक को लेकर के सारी चीज़ जितना भी हो सकता है वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं सो थैंक्स एंड कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा और चैलेंजिंग डे होगा क्योंकि ऐसे तो हम जानते हैं कि ठीक है या तो लॉस करेंगे प्रॉफिट करेंगे लेकिन कल का दिन हमारा होगा देखिए रिवेंज ट्रेडिंग में और जो बात हम करें इसमें काफी फर्क है कोशिश करेंगे कि ठीक है अगर प्रॉफिट्स को जो हमारा लॉस हुआ उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे बट रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी रिवेंज ट्रेडिंग इसमें काफी फर्क होगा ओके सो थैंक्स एंड कल का डे हमारा चैलेंजिंग डे होने वाला है तो देखते हैं कल के लिए काफी एक्साइटमेंट है और कल मिलते हैं हम लोग वापस से सो टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज का लॉस है इसको लेकर के चुपचाप बाहर है हम लोग और वी विल मीट अगेन